नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपने क्षेत्रीय परंपरा के दम पर विश्व पटल पर नाम रोशन कर रहा है। इस कला को और ताकत और ऊर्जा देने के लिए प्रदेश में एशिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के निर्देशक ईशान भल्ला ने कहा, हमारा उद्देश्य हमारी कला और संस्कृति के बहुमूल्य विरासत को संरक्षित करना है। उन्होंने कहा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कलाकारों को और सशक्त और प्रोत्साहित करना चाहता हूं। ईशान ने कहा, कार्यक्रम का आयोजन 1 और 2 अप्रैल को गौरा गार्डन में किया जाएगा। आप सभी आए और कलाकारों का मनोबल बढ़ाकर हमें अनुग्रहित करें। एक ऐसा मंच है जो कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, एक जो भी एक आर्ट का फील्ड का एक व्यक्ति है, उसको खाली एक आर्टिस्ट से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर बनकर अपने पहले सीजन में 100 से अधिक कलाकारों को शोकेस कर रहा है। टेम्पररी आर्टिस्ट है। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप सब इस चीज पे ध्यान दें कि अगर हम कला की बात करते हैं तो वो कला और क्राफ्ट में बहुत डिफरेंस है। क्राफ्ट हो जाता है बेल मेटल आर्ट, बोधना आर्ट, कोसा सिल्क, जो भी अभी तक छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में बहुत सबको दिखता आया है और मिलता भी आया है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट की या आर्ट फॉर्म्स की, जो कि चाहे खैरागढ़ से पढ़े हुए विद्यार्थी हो, वहाँ के ग्रेजुएटेड हो, तो जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, जितने भी फाइन आर्ट फॉर्म्स हैं, उसके लिए उनको शोकेस करने के लिए ये आर्ट फेस्टिवल है। क्योंकि अब ऐसा कहा जाता है कि एक कलाकार को खाली आप अप्रिशिएट कर दें तो उसको बहुत अच्छा लगता है, पर हम खाली अप्रिशिएट करके उनको नहीं, सभी एंगल देना चाहिए किसी भी कलाकार को। वो जो भी कला कर रहा है, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, जो भी आर्ट फॉर्म वो कर, उसको एक प्रॉपर पीस, उसका एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ये कला जो है, इट्स अ प्रॉपर वे दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग। जो एक सोच है लोगों की कला ले का काम ये एशिया आर्ट फेस्टिवल कर रहा है, वैसे ये प्लेटफॉर्म जो है, ये दिल्ली मुंबई, इसका स्टार्टिंग इसलिए हुआ है, इसको इसलिए छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो पढ़ने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, वो कहते हैं कि हम बड़े मीडिया हाउसेस में चले जाएं, हम बड़े प्रोडक्शन में। और जितने भी बायर्स हैं यहाँ के, चाहे वो इंटीरियर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, वो बाहर से आर्ट प्रोक्योर करते हैं, सो सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्रिएटिव इंडस्ट्री, अगर आज आप इस प्रीमाइसिस में बैठे हैं, आर्ट को प्रमोट करना, खाली उसको प्रमोट करना ही नहीं होता, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना होता। सो एशिया आर्ट फॉर्म है जो कि इस पूरी नीड को, इस पूरे इकोसिस्टम को आसान बनाने कला का। अब क्योंकि यह पहली बार हो रहा है, अगर मैं आर्ट की बात करूं तो आर्ट सबसे पहले स्टार्ट होती है खाना बनाने की पाक कला, कलरी आर्ट। सो एशिया आर्ट फेस्टिवल 1 और 2 अप्रैल को गौरव गार्डन में हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक कलाकार और 50 से अधिक ब्रांड्स इसमें शोकेस करेंगे। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो आए और कलाकारों को सपोर्ट करे, उनके आर्ट को खरीदे, उनको एक रोज़गार प्रोवाइड करे। हम आप सबका हार्दिक स्वागत करने को तैयार रहेंगे। साथ ही साथ आर्ट के अलावा काफ़ी एंटरटेनमेंट भी रहेगा लोगों के लिए, तो हम चाहेंगे कि लोग आएं और इसको एंजॉय करें। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।